यो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। ये बेसिकली एक व्लॉग की तरह होने वाला है जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्लेग्राउंड के बाद वाली जर्नी मेरी कैसा थी। तो प्लेग्राउंड में ना हम लोग को 2 महीने तक फोन दिया नहीं, और 2 महीने के बाद भी अगर कोई अपना फोन नहीं यूज कर रहा है फोन मिलने के बाद भी, वो है मैं। 14th March 2024 को हमसे हमारे फोन ले लिए, और वापस जब मैं आया प्लेग्राउंड से बाहर, जब मेरे को मेरा फोन मिला, मेरे को मेरा पासवर्ड याद नहीं है। मेरी जो कंपनी है उसमें से मेरे को ना एवरी मंथ मेरे फ़ोन का पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज होती है सिक्योरिटीज़ के लिए। तो हर एक महीना लास्ट 2 ईयर्स से मैं मेरे फ़ोन में ना अलग अलग पासवर्ड लगा के रखा हूँ। तो जब 2 महीने बाद बाहर आया हूँ, मैंने सारे पासवर्ड ट्राई करते करते फ़ोन अपना लॉक कर दिया। मेरी फ़्लाइट आधे घंटे डिले हो रखी थी, तो मैं सोचा कि भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, लोगों से जाके बात करेंगे और उन लोग के फ़ोन लेंगे, उनके फ़ोन से व्लॉग करेंगे, और यही वीडियो मेरे भाई को मैं व्हाट्सएप पे HD भेजूंगा, और इसको मैं अच्छे से एक प्यारा सा व्लॉग बनाऊंगा बाद में कि भाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। मैं पब्लिक को ले लेके फ़ोन करवा रहा हूँ ना, तो पहले वाले फ़ोन से अलग रिकॉर्ड किया, ये दूसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी बस बोर्ड करने वाला हूँ फ्लाइट। फर्स्ट टाइम लाइफ में बिना फ़ोन के मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और लोगों के फ़ोन से जाके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओ शिट, क्या हो रहा है मेरे साथ, बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इज़ अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस भी लेना ज़रूरी था। शो के अंदर तो काफ़ी दिन बिना फ़ोन के था, शो के बाहर भी इतने लोगों के साथ बिना फ़ोन के जी रहा हूँ, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बैठ के फ्लाइट में मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया। एक तो अभिनव के घर से आई हैड टू टेक अ कैब, तो अभिनव को मैंने बोला कैब बुक कर दे, और मेरे फ्लाइट के टिकट्स के लिए मैंने प्रिंट आउट ले लिए। कैब में बैठे मैं कैब वाले के नंबर से मेरे भाई को कॉल किया, बोला कि मैं कैब से जा रहा हूँ एयरपोर्ट, वहाँ जाके किसी और को पकड़ूंगा, फिर अभी यहाँ फ्लाइट में एक भाई है उसको पकड़ा मैं। पहुँच गए हम लोग हैदराबाद, एंड मैं अभी लगेज का वेट कर रहा हूँ। मेरा भाई आया है बात, तो मैं मेरे ये दोस्त को बोला कि भाई प्लीज तेरा फोन दे, मेरे को कॉल करना है, और ये वाला वीडियो जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही मेरे भाई के नंबर पे भेजने को। फ्लाइट में जब मैं बकचोदी कर रहा था, मैं एयर हॉस्टेस को पूछा कि यार मेरे को तुम्हारा फोन दो, मैं तुम्हारे फोन से रिकॉर्ड करता हूँ, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन लोग के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट एनीवेज फन था। फिर वो बाद में आके सॉरी बोले कि आप शूट नहीं कर पाए। As soon as मैं लैंड हुआ हैदराबाद में, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जो मेरे साथ हुआ था। मेरी पूरी फैमिली खड़ी थी, सब के सब आए थे, और मैं सब लोग से गले मिला, और सबसे ज्यादा खुश मैं था। जैसे ही मैं एग्जिट गेट के बाहर आया, मेरे को आवाज़ें आती हैं पेंगू पेंगू, और मैं जितना अपसेट और लोनली था ना, उतना ही खुश हो गया था भाई अपनी पूरी फैमिली को देख के। और मेरे चेहरे से ये जो हंसी दिख रही है अभी, ये गई नहीं भाई, पूरा टाइम मैं हंसते ही जा रहा था कि ओ नो, मेरी पूरी फैमिली आ रखी है मेरे लिए, सबके सब चीयर कर रहे हैं। मेरी इतने सालों की मेहनत उस दिन रंग ले आई भाई, जब मैं इतने सारे लोगों को मेरे लिए खुश देखा। मैं सबसे ज़्यादा खुश था वहाँ पे, और सबको इतने जोर से गले लगाया हूँ कि भाई मैं कहीं ना कहीं इतने सालों बाद आया हूँ वापस। लेकिन एक गांडू ने मेरे को बहुत अच्छा चूतिया बनाया। मैं प्लेग्राउंड से बाहर आया, मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा इतना सब होने के बाद भी, और वो बंदे ने मेरे साथ ऐसा प्रैंक किया है ना भाई, कि मैं एयरपोर्ट पे खुशी खुशी सबसे मिल रहा हूँ, और मेरे पीछे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। आई वॉज लाइक भाई तू पागल है आदि। Smile guys. भाई मेरे को डायलॉग याद क्या आ रहा है, आज को देख के मैं नर्वस हो रहा हूँ।
बेसिकली आदि के साथ हुआ ये है कि मैं प्लेग्राउंड के घर के अंदर उसके साथ हमेशा से था, वो मेरे साथ हमेशा से था, और वो जब बाहर गया वो मेरे को बोल के गया था कि वो मेरे को बाहर से दबा के सपोर्ट करेगा, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया उसने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे को, मेरे घर वालों को लाइव स्ट्रीम पे लेके आया। इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो आदि की ये वीडियो पे जाके देखो, कमेंट करो और फुल प्यार बताओ भाई। सब लोग को पता ही था कि प्लेग्राउंड का एक एपिसोड आया था फैमिली डे वाला, जहाँ पे हम सब के सब काफ़ी इमोशनल हो गए थे अपने फैमिलीज को देख के। मैं पर्सनली कुछ ज़्यादा ही ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि जब मैं प्लेग्राउंड के अंदर आया था उसी दिन मुझे पता चला था कि मेरी बहन को एक बेबी गर्ल हुई है, एंड पर मेरे को उसका नाम बिल्कुल नहीं पता था। और तुम्हें जब 20-25 दिन के बाद उसका नाम पता चलता है कि ये उसका नाम है और ये तुम्हारे को बोल रही है कि तुम ट्रॉफी लेके आओ, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा हिट हुई है मेरे को कि मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए लकी है। जैसे जब ये आई है मैं इसके लिए ट्रॉफी भी लेके आया हूँ। इतना कुछ हो गया था मेरे साथ, और मैं जब बाहर आया एंड आई सॉ लीशा आई वॉज ऑस्ट्रक। मैं उसको देख के उसको पकड़ा एंड आई वॉज लाइक थैंक यू लीशा, तेरी दुआएं बहुत काम में आई हैं, एंड आई किस्ड हर फोरहेड, आई वाज लाइक बस आई एम सो हैप्पी। आगे कोई बोल सकता है क्या? एक्सपेक्ट किया था तूने मुझे यहाँ पे? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया, ये कमीना मेरे से इतना रूठा था। एक टाइम पे तो मैं सबको बोलते फिर रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह कर रहा है, ये एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड की तरह रोया है, ये मेरी है नहीं वैसे, बट ये ऐसा रोया है ना भाई, मैं क्या बताऊं। ये सीन कट जाएगा दोस्तों, आ जा उसको कैमरा में। हां बोल, अभी हाई बोल के आ जा, एक मिनट वेट। और जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं देखा मेरी गली पूरी सजी हुई है, ढोल वोल आ रखे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इतने सारे लोग हैं। मुझे सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है। दबा के नाचते थे क्या क्या ये गली पूरा, हम गणेश चतुर्थी के टाइम एवरी ईयर नाचते थे दबा के। अभी तेरे लिए नाच रहे हैं भाई, वही वाली फीलिंग आ रही है भाई। वाह देखो पिंगू का घर, पिंगू की फोटो, और ये पिंगो बेटू बाबा कटो 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 मारू मारू बार बार बार।